दीदी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थान हाउसवाइफ डेली ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं और सोरू चिक्कू जा रहे हैं मेरी भाभी से मिलने के लिए। और क्योंकि जिस दिन नामकरण था उस दिन गए थे, उसके बाद वापस मिलने के लिए नहीं गए भतीजा भतीजी से, और वो लोग कल जा भी रहे हैं वापस पठानकोट। तो इसलिए फिर आज मिलने का प्लान बना। और मेरे भाईसा, मतलब बहुत सारे कमेंट आता है कि आप भाईसा किसको बोलते हो, भाईसा किसको बोलते हो। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि भाईसा मेरे भुआ को बोलते हैं। जो भुआ होते हैं उनको भाईसा बोलते हैं। कुछ लोग भुआसा बोलते हैं, कुछ भाईसा बोलते हैं। जैसे तो भाईसा आ रहे हैं, उन गाड़ी गई हुई है उनको लेने के लिए। तो भाईसा आएंगे और भाईसा और फिर मैं यहाँ से दोनों साथ में जाते हैं। और वहाँ पे कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं पता। खाना वाना तो शाम को घर आके बनाऊँगी। अभी टाइम हुआ है 4 बजे। और चिकू को जस्ट उठाया है अभी, तो इसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो थोड़ी टेंशन हो रही है कि कुछ खा ले। अभी उठते ही तो खा नहीं रहा, और गाड़ी आ जाएगी तो मुझे इसको ऐसे लेके जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने बैग में 2-3 बनाना रख लेती हूँ, ताकि अगर इसको भूख लगेगी तो खा लेगा, वरना वही कुछ देखूँगी क्या होता है। और ये आज सोरू ने बनाई है स्कूल में। तो गाइस, तो ये मैंने स्कूल में आज बनाया था। पेपर लेके जाने थे, कुछ खराब हो गया। ये मैंने मोटे वाले कलर्स का यूज़ किया था, फिर अच्छा, ये पतले वाले का। अच्छा, इसमें छोटे कलर यूज करने थे। और इसने ब्लैक पेपर से बनाई है सिर्फ, और नीचे पानी बनाया है। मैम ने कैसा बताया? मैम ने कुछ बताया नहीं, सबके ऐसी थी, सबके सेम ही थी। अच्छा, तो फ्रेंड्स व्लॉग देख के बताना मेरी भतीजी की शक्ल मेरे से मिलती है या नहीं। मेरे को तो बहुत ज्यादा लग रहा है कि मेरे से मिलती है। चिकू कौन है? चिकू ये कौन है? चिकू ये कौन है? बाबू, अरे बाबू इसमें देख, बाबू उसमें, बाबू को बता। हाँ, चिकू चिकू बाबू को देखेगा, बाबू को खिला। किसकी जैसी है? हाँ पूरी है। हाँ बुआ जैसी है ना? हाँ बुआ जैसी है भाई। केवन के कान था भाई, पाचा आ गया देखे जगह कान था भाई, मतलब आपने सेम शक्ल हो कान था जेड़ी मैं क्यों कहीं ना समझो कहीं बाबू बताओ, बाबू को बताओ। फ्रेंड्स, मेघा के भुआ जी हंसा रहे थे कि इन बच्चों के ननिहाल कितनी जगह होंगे। 3-3 जगह ननिहाल होंगे, क्योंकि मेघा के मम्मी पठानकोट रहते हैं, उनका गांव जोधपुर है और इनकी जन्मभूमि अहमदाबाद है। तो इनके 3-3 ननिहाल होंगे। तो ये जब छुट्टियाँ वेकेशन होंगे तब कहाँ कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन रहेंगे कि मुझे अहमदाबाद जाना है, पठानकोट जाना है या फिर जोधपुर जाना है। बाबू के पास हाथ मत लगाना बाबू को। कोई कोई गांधा जी नाम है। ये कौन है? हाथ पर लंबा लंबा है। हां वैसे क्या हुआ है? अच्छे को कहां से आए? नाली यार, खाना मेरे पास है। फेस बोल बोल है, बात से आए। लंबा फेस मारा ये बुआ हमारा भतीजा। कैसे नहीं है बात से? मैं कि ठाकुरी जी को लागे ठाकुर। अच्छा वो लाइट वाली कहां गई? मर मोड़ो है, मोड़ो कहां गई? हम तो भाई गई थी भाई, बोतल हमें बचाओ भाई, एक मिनट रुको। बाबू को प्यार करते थोड़ा सा, इससे प्यार करते तो किस करते के घर पहुंच गए और पीछे मम्मी। तो फ्रेंड्स, मैं जब से मेघा की बुआ के घर पे पहुंची हूँ, चिक्कू तो बस एक मिनट के लिए नहीं रुक रहा है। उसको तो सारे काम, मतलब उनके बच्चों के जो बिस्तर उन पे सोना है, ये जो मच्छरदानी है इसमें मेरे को डाल दो, मेरे को सोना है। अब इसके पैर इतने लंबे, मैंने कहा जैसे तूने पैर सीधे किए ये फट जाएगी, इसका भी टेंशन है। और मतलब इतना चिल्ला रहा है, इसको इतना प्यार आ रहा है उन बच्चों पे, दोनों पे, कि मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। और मेरे को लेने में नहीं दे रहा। जब मैं ले रही हूँ तो ज़बरदस्ती ऊपर आके गिर रहा है। तो मैंने बिल्कुल थोड़े से टाइम के ले लिया। मेरा खिलाने का मन था पर मैं खिला भी नहीं पा रही थी चिक्कू,
की वजह से। फिर इसको मैंने जसवंत को बोला कि यार तू थोड़ी देर बाहर ले जा, तो ये बाहर लेके गया और तब मैं थोड़ी देर इसको आराम से बैठ के अंदर बच्चों को खेला। फिर ज़्यादा देर टिकता भी नहीं है क्योंकि सौरू भी साथ में था, तो अगर मैं इसको दोनों को भेज दूँ तो दोनों लड़े। फिर मैंने कहा जसवंत तू ही संभाल सकता है इनको, तो फिर जसवंत लेके गया। तब थोड़ी अंदर शांति पड़ी तो हम आराम से बैठ के थोड़ी देर बातें करी। कौन आया? चिकू बाबू कहाँ है? तो फ्रेंड्स फाइनली अब मेघा भाभी और सब दोनों मेरे भतीजा भतीजी जा रहे हैं वापस पठानकोट, क्योंकि भाभी थोड़े दिन 4-5 महीने अपने मायके रुकेंगे। जब तक बच्चे थोड़े से ठीक संभल ना जाए, मतलब आराम से रहने लग जाएंगे तब, क्योंकि भाभी को भी सीजर हो रखा है तो रेस्ट चाहिए, तो वहाँ पे जाके वो आराम से रेस्ट कर पाएंगे। इसलिए उसके बाद में मम्मी बोली कि सर्दियाँ ख़त्म होगी उसके बाद इनको लेके आएंगे। और जसवंत का मेरे को लग रहा है कि हम लोग ये यहाँ इस बार ही आने के बाद ये बहुत बिजी हो गया था, क्योंकि बच्चे हो गए थे तो ये बच्चों के पास ही बिजी था। वरना तो ऐसे था कि पहले जब ये यहाँ रहता था तो दिन में रोज़ का एक चक्कर तो मेरे पास लगा देता था, तो फिर आना जाना ऐसे रहता था कि आने वाला होगा या आएगा या क्या कर रहा होगा, तो ऐसे ही रहता था पूरा टाइम। तो इस बार ही ऐसा है कि ये आया तब से इतना बिजी हो रखा है ना, क्योंकि इसके सासू जी को भी डेंगू हो गया था तो हॉस्पिटल में भी रहना था, और जो इनके फूफी ससुर जी थे वो इसी टाइम शादी में गए थे, बच्चा होने के बाद कोई राजस्थान शादी थी तो वहाँ चले गए, तो फिर ये अकेला पड़ गया था। वो पहला बड़ पियो तो देख दे आंखें खोली चिकू बिट्टूड़ी आंखें खोली चितू ए चितू चितूड़ी ए चितिया क्या दया जीतिया चितिया चितिया क्या। तो फ्रेंड्स जसवंत को वैसे भी बच्चों का बहुत शौक था, मतलब सोरू को चिक्कू को इतना खेलाता था, फाइनली अब जब इसके खुद के बच्चे हो गए तो ये बहुत खुश है। और ये लड़के को कम खेलाता है और लड़की को ज़्यादा खेलाता है, कि मेघा बता रही थी कि पूरा टाइम जब भी रूम में आते हैं और लड़की को खेलाते हैं, लड़की को पूछते ही नहीं है कुछ। बाबू को बोर नहीं आई आज, कितने दिन की क्यों कर रहा है पूरे दिन से? तो फ्रेंड्स ये साइड में जो ब्लैक शर्ट वाले भैया है वो मेघा के बुआ का लड़का है, जो इनको भी इतना बच्चों का शौक है ना, ये तब से बच्चे घर में आए हैं तब से इतना पूरा टाइम, मतलब रात को भी उठ उठ के बैठ जाते हैं कि हमें दे दो, आधी आधी रात तक मेघा के पास रहते हैं बच्चों को खिलाते हैं। पर अब मेघा और ये बच्चे जाएंगे तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा खाली लगेगा, क्योंकि मेघा को आए हुए 1 साल हो गया तो मेघा भी इनके साथ रहती है और फिर बच्चे हो गए तो फिर इन लोगों का तो इतना अच्छा टाइम जा रहा था ना पूरा, तो वो मेघा की बुआ भी यही बोल रहे थे कि हम लोग पता नहीं कैसे रहेंगे मेघा के जाने के बाद, बच्चों की कितनी याद आएगी हमें। ध्रुव वापस करना, शोरू के वापस करना। तो फ्रेंड्स भाभी के घर से आने के बाद मेरी रेल बनी हुई है, क्योंकि हाँ बाबू मम्मा बात कर रही ना, हाँ ठीक है। चिकू के अभी विक्स लगाए हैं, चिकू को बहुत तेज जुखाम लग रहा है, तो चिकू की 10 दिन जुखाम ठीक रहता है, 10 दिन के बाद में वापस, और अब रात को पता नहीं कैसे नींद आएगी कैसे सोएगा। और आने के बाद फटाफट खाना बनाए इनके लिए, फूलगोभी की सब्ज़ी बनाई, हमारे लिए पापड़ की सब्ज़ी बनाई, फिर बर्तन की रोटी बनाई, और रोटी बना के जैसे ही हटी उपेंद्र जी ने और शौर्य के चिकू के पापा ने खाना खा लिया, और उतने में ही और इनके ऑफिस से वो रवि भैया वो उनकी फैमिली आ गए थे, तो फिर वह मैंने उनके सामने फिर चिकू को खाना खिलाया और फिर मैंने नहीं खाया, और सौरू को फिर बैठ इसको भूख लग गई थी तो विक्स लेके आओ, चिकू विक्स नहीं लेनी दो मुझे, लगाई ना मैंने तेरे अभी, दे बाबू मेरे को दे दे, अच्छा बच्चा है ना, ये देखो चिकू की विक्स लगा थी पर चिकू ने इतनी सारी अंगुली में निकाल के रखी, चिकू देख देख फ़ोन में देख रहे हैं तुझे सब,
दिखा मुझे, अब दे दो, अच्छा बच्चा है ना, इतनी सारी नहीं लेते पागल। फ्रेंड्स अब चिकू के पापा ने चिकू को अभी सुलाया जस्ट, क्योंकि वो इतना परेशान कर रहे हैं, दोनों लड़ रहे थे बराबर, और ऊपर से उसको जुकाम लगा हुआ है, तो तबीयत भी सही नहीं है, और मेरी खुद की इतनी थकान हो गई ना, क्योंकि फिर मैंने 10:30 बजे तो खाना गया खाया जब वो रवि भैया और वापस गए, उनके पास काफ़ी देर बैठ गए थे, बच्चे थे उनके भी तो साथ में, सौरव और चिकू खेलने लग गए थे, तो उनके जाने के बाद मैंने खाना खाया, फिर बर्तन वगैरह साफ़ करे, फिर इनको दूध बना के दिया, और रूम में पूरे में बहुत बिखेरा हो गया, तो थोड़ा थोड़ा वो भी समेटा, कुछ है जो सुबह करूँगी, जैसे सोफे के इधर उधर करा हुआ सारा, तो वो बाकी सब सुबह करूँगी। और अब चिकू सो गया और मैं भी सो जाती हूँ, और टाइम हुआ है 11 बज गए आज, बहुत लेट हो गया, और रात को पता नहीं उसकी नाक बंद रहेगी तो वो सोएगा या उठेगा, अभी कुछ नहीं पता। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इतने टाइम यहाँ था तो वो लोग भी कल जा रहे हैं, तो उसका भी बहुत लग रहा है कि 1 साल से उसका आना जाना था कि भाई अब पोंटा गया, अब वापस आएगा, उस टाइम आएगा 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 ये था, अब पता नहीं कब आना जाना होगा, तो वो बहुत लग रहा है मुझे। अब देखो काम है, संभालना तो पड़ेगा, जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो काम हो गया, वो सबसे अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।